हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो भाई लोग। सो मैं आज आ गया हूँ अपने दोस्त के पास, जिसके पास एक क्लासिक 550 mm है, 1990 का मॉडल जीप। तो वो शायद से अपनी गाड़ी को कुछ मॉडिफाई करने वाले। क्या कर रहे हो अजीम भाई, क्या काम कर रहे हो आप गाड़ी में? पूरा मॉडिफिकेशन करने वाले हो? क्या करने वाले हो? टायर चेंज होगा, पूरा बॉडी ओपन होगा। ओके, इंजन चेंज करने वाला हूं। ओ, और टायर सब आप ओपन करने वाले हो गाड़ी? तो भाई अपनी गाड़ी फुल ओपन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को पूरी गाड़ी दिखाता हूँ। हाँ, आप वहाँ से आओ। ये मेरा भाई है जावेद, ये नास्तिक अजीम, मेरा अजीम भाई है, उसका जिगरी है ये। और ये लोग जो गाड़ी अभी ओपन कर रहे हैं। हाँ भाई, ओपन करो, क्या बात है। सो ओपन ये लोग करवा चुके हैं। वीडियो के लिए मैंने आपको रखवाया था कि इसका लुक कैसा और ये लुक कैसा आएगा इसके बाद में। गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन की वीडियो चालूंगा मैं। इसके टायर के मैगवील चेंज होने वाले हैं, ओपन होने वाली है, सीट चेंज होने वाली है। क्या बात है, क्या लग रही है गाड़ी। सो अजीम भाई, आप ये अपना स्टेपनी भी चेंज करने वाले हो इसके पीछे से सब। और इस कपड़े का क्या करेंगे? ये कपड़ा अभी फेंकने में जाएगा, इसके जगह पे दूसरा एक कपड़ा डालने वाला हूं सिर्फ आगे की साइड। तो आपने कुछ एस्टीमेट निकाला इसका कि कितना कॉस्ट आ सकता है इस गाड़ी का? अराउंड 180,000 तक ही बोले कि पूरा कंप्लीट मॉडिफिकेशन में होगा। 180 में हो जाएगा? हां, 180 में। पर मुझे तो लगता है 2-2.5 लाख के ऊपर जाएगा। नहीं नहीं, हो जाएगा। तो आप बहुत शौकीन हो गाड़ी के लगता है। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? चार गाड़ियां। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है भाई, घमंड कभी नहीं किया भाई ने। सही है भाई, क्लासिक 550 mm जी। तो अभी अपन जा रहे हैं गाड़ी को वॉश करवाने। क्या बात है, बंद ना क्या गाड़ी वॉश करवाएंगे, सीट भी चेंज होगी गाड़ी की, पूरी गाड़ी एकदम जबरदस्त मॉडिफिकेशन में वीडियो डालने वाला हूँ मैं। तो शायद ही किसी ने ऐसा वीडियो डाला रहेगा, क्योंकि अपन पूरा स्टार्ट टू एंड डालेंगे वीडियो का। तो देखना अपनी गाड़ी की है कैसी और कैसी बनेगी। अपना भाई पीछे हमेशा रोले में बैठता है टायर रख के। अलग ही मजा है जीप 540 mm का। जीप कोई सी हो, जितनी ओल्ड होगी उतना मजा है। अपन लोग को 4-5 लाख रुपए में या 3.5-4 लाख में एक मॉडिफाइड जीप मिल सकती थी, लेकिन जो अपनी गाड़ी बनाने का मजा है ना भाई, वो अलग ही है। क्या बोलते हैं आजिम भाई? एक नंबर। क्या बोलते हैं आज भाई? आज मैं मचा रहा हूँ ऊपर। अभी अपन एंट्री करने वाले हैं ऑटो वेजन में। ऑटो वेजन भी भाई का ही है। मेरे को लगा वसीम खड़ा है। अब अपन इसको वॉश करेंगे बिल्लो को और अपनी खत्म भगवान हो जाए। बाप उसने बात। तो ये अपनी गाड़ी वॉश हो रही है। और अपन पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बहुत अच्छा बनाएं। मैं शायद से इसका कलर चेंज करने की कोशिश करूँगा, लेकिन देखते क्या होता है, क्या बेस्ट कर सकता हूँ मैं। डीजल मत मार, बस वॉश कर दे।
तो भाई अपनी गाड़ी वॉश हो रही है, वॉश होने के बाद अपन लोग उसको लेके जाएंगे टायर के लिए। टायर आज मैंने ऑर्डर किए हैं, वो शायद से आज नहीं आ पाए तो कल जाऊँगा। तो हर एक चीज़ हल्के हल्के ऑर्डर करना पड़ेगी क्योंकि सब चीज़ अवेलेबल नहीं है एक जगह पे। तो पहले टायर लेना है, उसके बाद में अपने को गाड़ी का कलर पे देनी है गाड़ी। तो हर एक चीज़ की वीडियो बना रहा हूँ, अगर वीडियो मेरी बड़ी बनेगी तो मैं इसको पार्ट करके डालूँगा। भाई अपन अभी पहुंच चुके हैं टायर लगवाने के लिए, अपना टायर आ चुका है, टायर महफिल दोनों रेडी हो चुकी है। तो अपना ये बंदा है सूरज भाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, टायर वगैरह अपने वो सब ला के दिए। तो अपने टायर महफिल सब आ गया है, तो अपन दिखाते हैं आपको टायर भी और सूरज भाई से ही मिलाते हैं। तो ये अपना टायर लगाने का प्रोसीजर चालू हो चुका है, अपनी गाड़ी का टायर देख सकते हो अपन, कैसा पतला छोटा बचकाना टायर है। किधर है अपने दुकान के मालिक सूरज साहब? हेलो, ये देखो ये है यहाँ के ओनर फिट शॉप के, जो भाई ने अपने को 5 टायर और एक्विल करा के दिए, बहुत ज़बरदस्त प्राइस है, बेस्ट प्राइस है। तो आपकी दुकान का नाम क्या है सूरज भाई? न्यू फिट शॉप। भाई मेहनत भी कर रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, हम लोग का छोटा सा बचकन है टायर, ये टायर लगने वाला है। ये अपने सरदार साहब यहाँ के टेक्नीशियन। आपको कैसा लग रहा है अजीम भाई, आपके टायर लगने वाले? सूरज भाई ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, भाई पूरे मुंबई घूम चुके थे प्राइस के लिए, लेकिन ऐसा प्राइस कहीं मिला नहीं अपने को, सिर्फ सूरज भाई ने अपना प्राइस दिया ऐसे टायर का और मैकबिल का। तो अगर अपने व्यूअर्स भाई आपके पास आएंगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा उन्हें, अच्छा प्राइस मिलेगा? जरूर, क्यों नहीं मिलेगा ना, आपको मिला वैसे सबको। देख सकते हैं क्या लुक आने वाला है अपनी जीप का अभी इसके बाद। तो भाई अपनी जीप के टायर लग चुके हैं, फुल धमाल हो चुकी है, अपने सूरज भाई ने बहुत मस्त काम किया है। तो कुछ भी रहेगा मैं भाई के टायर का एड्रेस दुकान का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नंबर भी, तो आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं। छोटे मोटे काम रह गए गाड़ी के, जैसे कि ऊपर की एसेसरी रह गई है और क्या बोलते हैं, थोड़े थोड़े एसेसरी ऑर्डर की जो मुझे पंजाब से लानी है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा और जो भी रहेगा वीडियो में हल्के हल्के डालता रहूँगा ऐसे ही। तो ये मॉडिफिकेशन करने का प्रॉब्लम क्या क्या आती है, छोटी छोटी चीज़ें, मैंने लाइट लगाई थी, लाइट खोलना पड़ रही है, आगे से अल्ट्रेशन करना पड़ा गाड़ी, पीछे से टच हो रही तो वहाँ से कट करना पड़ेगा। तो जीप मॉडिफाई करने के लिए टाइम बहुत लगता है, लेकिन हाँ जो चीज़ टाइम लगती है वो चीज़ बनती ही वैसी है। तो अपन देखो ये लाइट लगाई थी मैंने अभी, ये निकाला है, ये सही है, अपना टायर तो रेडी हो चुका है, धमाल आफत लुक आ रहा है। पर ये कि देखते क्या क्या करना पड़ेगा, ऊपर अभी मुझे एक्सरसाइज लगानी है, यहाँ पे एक्स लगाना है, पीछे ऊपर पाइप लगानी है, लाइट ऊपर डालनी है, यहाँ की लाइट चेंज करनी है। तो हर चीज़ ऑर्डर करने के टाइम लगेगा क्योंकि इसकी एक्सरसाइज मुंबई में मिल नहीं रही, तो जलंधर पंजाब से ऑर्डर किया है, तो अपन वहाँ से लेंगे। टायर का काम तो भाई ने कर दिया है, तो देखते हैं अभी क्या क्या रहेगा इसके अंदर लगाने के लिए, कितना टाइम लगेगा और अपने को क्या बोलते, आपको कैसा लग रहा है कि सबर हो रहा है आपको गाड़ी का बनने का? नहीं, सबर नहीं हो रहा है, पूरी मॉडिफाई करना उसके बाद ही, उसके बाद मजा आएगा आपको, मतलब क्या लगता है और कितना टाइम लग जाएगा आपको? लगेगा 10 दिन और लगेगा। 10 दिन और फिर क्या करने वाले इसका शादी में? आप इसी में एंट्री करने वाले हैं सुनने में आया मेरे को, बाहर से खबर आई मोहल्ले में से कि अजीम भाई जीप में ही खड़े होकर आने वाले, इससे एंट्री करने वाले।
तो भाई लोग अपन अभी जीप दिए कलर को, ब्लू कलर था, और इसको अपन करने वाले हैं ब्लैक कलर। क्या कलर निकल के आएगा देखते हैं। पूरा काम चालू है। कभी भी आप लोग कलर चेंज करें अगर गाड़ी का, तो आरटीओ पे पेपर पे ज़रूर चढ़वाएं, क्योंकि अगर पेपर पे कलर आपने कोई और सा डाला है और उस पर कोई और सा है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमेशा पेपर आरटीओ पे क्लियर होना चाहिए। अभी अपनी बिल्डो 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगी, कलर हो के निकलेगी, अपने को सिर्फ एक्सेसरीज लगाना है बहुत सारी इधर उधर, उसके बाद खेल चालू होगा। जीप की सीट छोटे छोटे खर्चे बहुत होते हैं। ये अपनी जीप सीट आ रही है, आधे एक घंटे में सीट आ जाएंगी। कलर चेंज हो चुका है, पॉलिश का काम बाकी है, लास्ट फिनिशिंग रह गई है एक कलर की, ब्लैक कलर हो चुका अपनी गाड़ी पे। तो देखते हैं इसका लुक कैसा आएगा सीट लगने के बाद, और फिनिशिंग अब पॉलिश होगी, लाइट्स लगेंगी यहाँ पे, पूरा बम्बू पे फॉर्म आता है, फॉर्म लगेगा। स्टेयरिंग के नीचे इधर क्या बोलते हैं मैट्स आएंगे, स्टेयरिंग कवर आएगा, ये डाउन होगा, एकदम ज़बरदस्त होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। छोटी मोटी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कि मुझे अब यहाँ एक्सेसरीज लगवानी है तो उसके होल पैक करवा के वापस से होल करवाने हैं, बहुत काम है। ठीक है, टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन जो चीज़ें टाइम लेती हैं वो चीज़ें अच्छी भी लगती है, बोलते ना सबर का फल मीठा होता है, तो वही होने वाला अपन लोग के साथ। ये अपनी थार की लाइट जो यहाँ लगेगी, उसके बाद में देखो छोटी छोटी एक्सेसरीज का काम कितना टाइम लगता है। अब ये पूरे यहाँ पे जो बोनेट खोलने के नट होते हैं वो चेंज किए हम लोग ने, क्रोम के करवाए हैं, क्रोम नट है। अब ये चारों तरफ लगेंगे, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज़ दिखती है, चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अब ये सिल्वर की है हम लोग ने, और यहाँ पे पूरा एक क्रोम की पट्टी आएगी, तो हर चीज़ में टाइम लगने वाला है। ये देखो अपना लड़का मेहनत कर रहा है, पूरी गाड़ी तैयार कर रहा है। ये क्या नाम है आपका? उवैस। उवैस, चलो सही है भैया, वीडियो देख लेना हमारा। सो फाइनली भाई अपनी जीप कलर होके आ चुकी है, बहुत अलग लेवल पर खुशी हो रही है, धूम एकदम चीज़ तैयार हुई है, और वर्थ है, पॉलिश बाकी है, छोटी मोटी एक्सेसरीज लगाना बाकी है। देखा होगा पूरा लुक अभी आने वाला है गाड़ी का, सीट्स लग चुकी है, कार की लाइट लग रही है, छोटे मोटे काम बाकी है। मैकविल का आप लोग देख सकते हो क्या लग रही गाड़ी, मेरे भाई ने बहुत मेहनत की है। अगर आप गाड़ी मॉडिफाई करते हो इसका मतलब ये नहीं कि उठा के खड़ी कर दी किसी का छोड़ दी, क्योंकि आप किसी से मॉडिफाई करवाओगे तो कम से कम 3 लाख रुपए जाता है, 2.5 लाख रुपए, और हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह टायर कलर के कितने में हो गए भाई? 1,50,000 में एकदम अपनी पसंद की चीज़ें मिली है। देखो एसेसरीज, मेहनत बहुत लगी है, मोर देन 25 डेज लग गए हम लोग को। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है गाड़ी में, कभी टायर ही होता है, कभी टायर लड़ता है, ये चीज़ें कटवाना पड़ी हम लोग को, लेकिन फाइनली अपनी बिल्लो तैयार हो चुकी है। यहाँ पे जीप आने वाला दिख के, ये पूरा एक्सेसरी यहाँ लगेगी, पीछे थार की लाइट लग रही है, तो बहुत धमाल होने वाला है। और ये फाइनल वर्क जो हो रहा है उसके बाद सीधा अपनी गाड़ी रोड पर निकलेगी, और आपको पूरा वीडियो में दिखाऊँगा लास्ट में, जो क्या ब्यूटी देखो, ये है थार की लाइट, सब लाइट मंगवाया है मैंने जलंधर से मंगवाया है, ये सब लाइट है, ये सीट है, बहुत चीज़ें यार, मज़ा आया, खुशी हो रही है। जो चीज़ हमने देखी है देखो क्या लगने वाला है, ये लगेगा किधर,
हो चलो। यहाँ पे एक पीछे हॉट टायर आएगा, एक मैकबिल आएगा, उसके बाद ये लाइट एक लग रही है, एक लाइट यहाँ लगेगी साइड में, स्टेयरिंग कवर आएगा, मैट आएंगे जो ये रखे हुए, और ये लाइट सब लग रही है अभी एक्सेसरीज। तो देखो इसका कैसा लुक आने वाला, बहुत बवाल लगने वाली है अपनी गाड़ी। अब सीधा मैं इसको लास्ट फाइनल आउटपुट जो होने वाला है मैं आपको डायरेक्ट वो दिखाऊंगा वीडियो में, ऑन रोड चलती हुई गाड़ी विद ब्यूटी शॉट्स, टायर के, मैकबिल के, तो मज़ा आएगा आप लोग को और भाई की पूरी वीडियो को देखना लास्ट तक। फॉर्म लग चुका है, एयर कवर आ गया, स्टीयरिंग कवर आ चुका है, और बस ये लाइट रह गई है, अपनी लास्ट लाइट है। जो ऐसे सेंटर में लगेंगी, अब ड्रिल करना है बाकी अपनी, ये नीचे लाइट, चार लाइट आ चुकी है। सामने मुंह अरे बेटा आ गया, अभी आया। सारी लाइट ऐसे माउंट होने वाली है चारों, यहाँ पे ड्रिल करना पड़ रहा है, और ये कोई कहीं दुकान पे नहीं होगी, ऐसी होगी तौसीफ फैब्रिकेशन में। तो ये सब अपन लोगो मंगवाए जो ऑनलाइन मैंने मंगवाया था, 400 रुपये 500 रुपये का सिर्फ एक लोगो। जीप यहाँ पे आएगा और इसके अंदर महिंद्रा का नाम का भी दिखा बाबू, वो ये महिंद्रा का स्टिकर ऐसे लगा के फिर वहाँ पे महिंद्रा आएगा। तो जो भी है आज अपना लास्ट है। सो ये कुल्हाड़ी होती है ना जिसको क्या बोलते हैं ये, हाँ फावड़ा, ये फावड़ा लगने वाला है साइड पे। फिर ये क्या है वो, ये इसके मिरर स्टैंड, नहीं इसको पता नहीं है, ये आगे लगेगा, हाँ मिरर इसका आगे का स्टैंड है वो, और ये फावड़ा। फिर जीप लग चुका है, डीजल लगाने वाले अपन। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से पूरी अपनी गाड़ी तैयार होगी। ये तो लाइट लग रही है, परफेक्ट है ना। हाँ हाँ लगा कड़क, ये स्टिकर के साथ में आता है जिससे अपने को लाइन लेवल पता चलेगा कि सीधा है कि नहीं। उसके बीच में जो खांचे हैं आप उसमें लगा के प्रॉपर ऐसा लोगो अपने को मिल जाएगा। और ये आंख ऋषभ महिंद्रा वाला साइड में आएगा, मरेगा आदमी मारेगा। और फावड़ा लग चुका है ऐसे ऊपर, ये लग चुका है फ्रंट में, जीप हवाल हो गई है तुम। तो अभी सीधा वीडियो आने वाला अपना रोड पे, ऑन रोड मैकवीर का लुक आएगा चलते हुए गाड़ी में, धमाल होने वाली गाड़ी अपनी। तो भाई अभी अपनी जीप की सारी लाइटिंग हो चुकी है, बस मेरी एक लाइट रह गई, वो जो ऑर्डर किया तो मिल नहीं रही है, तो 4-5 दिन में आएगी। गाड़ी फुल कंप्लीट हो चुकी है, ये चार लाइट भी लग चुकी हैं, ये देखो कैसे ऑन हो रही है, बहुत पावर है इसमें अंदर, बस बटन लग रहा है इसके अंदर ये वाला, बाकी बहुत जूम हो चुकी है, बहुत पावरफुल लाइट डाला है इस इतनी भी, और एक्स लग चुका है, सारे काम हो चुके हैं। तो अब धमाल होने वाला रोड पे। तो फाइनली अपनी जीप रेडी हो चुकी है भाई लोग, 20 से 25 दिन की मेहनत लगी है, और हर एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत भागना पड़ा है, लेकिन जो भी था वर्थ था। अब अपनी जीप पीछे खड़ी है, तो एक टेस्ट ड्राइव देते हैं बिल्लों की, और आप सबको दिखाते हैं कि हमने क्या बनाया है, क्या से क्या बनाया है। चलो तो अपने भाई लोग रेडी हो चुके हैं, एटीट्यूड देख सकते हैं आप लोग गाड़ी रेडी होने के बाद में चश्मा कपड़े सब पहन के आए। ओ हो भगवान,
निकाल। सपोर्ट करते हो क्या बोलते हैं, द आर्ट ऑफ मैनलीनेस।